गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहां पर राजस्थान इतिहास कर रहे हैं और राजस्थान इतिहास में हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलनों में एक क्लास हो चुकी है और इसी क्रम में आज हमारी दूसरी क्लास है। लास्ट क्लास में हमने बिचौलिया जो किसान आंदोलन है उसको बड़े ज्यादा विस्तार से हमने कवर किया था, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हम बेगू से लेकर आगे के जो किसान आंदोलन हुए उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला किसान आंदोलन रहेगा उसका नाम है बेगू, बेगू किसान आंदोलन, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन कब हुआ है? तो 1921 से 1923 तक ये बेगू किसान आंदोलन चला है। बेगू कहां पड़ता है? तो बेगू पड़ता है चित्तौड़ में, ठीक है। बेगू कहां पड़ेगा? चित्तौड़ में पड़ता है, ठीक है। कारण कि भाई बेगू के किसानों ने ये जो है हड़ताल या आंदोलन क्यों किया, ठीक है। तो बेगू के जो किसान हैं इनके आंदोलन करने के कई कारण थे, जिनमें से हो जाएंगे भू राजस्व की पद्धति, लगान, लाता व कुंता और बेगारी प्रथा। तो क्या क्या कारण हो जाएंगे? पहला कारण हो जाएगा भू राजस्व पद्धति, ठीक है। दूसरा हो जाएगा लगान, तीसरा हो जाएगा लांटा व कुंता। लांटा व कुंता में आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा बेगारी प्रथा। बेगारी प्रथा का मतलब क्या हुआ? बेगारी प्रथा का मतलब ये हुआ कि किसानों से काम करवा लिया जाता था लेकिन उनको पगार नहीं दी जाती थी, बिना पगार के काम करवाना ही क्या कहलाता था? बेगारी प्रथा कहलाता था, ठीक है। तो ये मेन बात हो गई इसके कारणों की। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि आंदोलन कैसे कैसे चला, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेनाल सभा की। मेनाल सभा का जो आयोजन है ये 1921 में किया गया और कहां किया गया? भीलवाड़ा में, ठीक है। भीलवाड़ा में किया गया मेनाल सभा का आयोजन, ठीक है। यह सभा मेनाल गांव के भैरू कुंड के पास हुई। ठीक है। ये सभा किसकी थी? किसानों की सभा थी। इसके अंदर किसानों ने भू राजस्व पद्धति, लगान, लांता कुंता, बेगारी प्रथा पर चर्चा करने के लिए सभा को आयोजित किया था, ठीक है। तो यही लिख लो कि किसानों ने लगान, लांता व कुंता तथा बेगारी प्रथा के विरोध में तथा जन जागरण हेतु इस सभा का आयोजन किया, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रख लेना। विशेष बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस सभा की, वो आपको याद रखना है कि इसी सभा में, मतलब मेनाल सभा में ही विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी को बेगू आंदोलन का नेतृत्व सौंपा था, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी को बेगू आंदोलन का नेतृत्व सौंपा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बेगू आंदोलन का नेता कौन हो गया? बेगू आंदोलन का नेता हो गया राम नारायण चौधरी, याद रखना है एकदम अच्छी तरह से। तो बेगू आंदोलन का प्रमुख नेता हो गया राम नारायण चौधरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1923। देखो 1923 में क्या हुआ कि ठाकुर अनूप सिंह कौन है? तो बेगू का ठाकुर, बेगू का जागीरदार है, ठीक है।
तो ठाकुर अनूप सिंह प्लस राजस्थान सेवा संघ, ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है। इस समझौते के तहत जो ये लगान है, भू राजस्व है, लाता कुंता है, बेगारी पड़ता है, इनके ऊपर किसानों को राहत देने की बात हुई थी, लेकिन मेवाड़ राज्य ने इस संधि को, इस समझौते को बोलशेविक संधि बोलकर मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो इनके बीच जो समझौता हुआ है, इस समझौते को बोलशेविक समझौता, बोलशेविक समझौता कहकर मेवाड़ सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। और ये जो ठाकुर अनूप सिंह है, इस ठाकुर अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया, उदयपुर में नजरबंद कर दिया। उदयपुर में नजरबंद करने के साथ साथ अब बेगू में कोई जागीरदार नहीं है, तो बेगू का जो प्रशासक है वो लाला अमृतलाल को बना दिया, ठीक है। तो यही बात और ध्यान में रख लेना कि बेगू का प्रशासक, बेगू का प्रशासक लाला अमृतलाल, लाला अमृतलाल को बनाया गया, ठीक है। तो ये बेगू आंदोलन की मेन मेन बात हो गई। एक यहां पर आपको ट्रेंच कमीशन का भी ध्यान रखना है, जिसका संबंध किससे है, बेगू आंदोलन से, ठीक है। तो ट्रेंच कमीशन को भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। बेगू आंदोलन में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेगू आंदोलन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, बेगू और बिजोलिया इन दो में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपन बात करते हैं ट्रेंच कमीशन। ट्रेंच कमीशन का संबंध भी किससे है, ट्रेंच कमीशन का संबंध भी बेगू किसान आंदोलन से है। ट्रेंच कमीशन जो है, इसको गठित किया गया था 1922 में। क्यों गठित किया गया, तो बेगू के किसानों की मांगों की जांच हेतु, ठीक है, कि भाई ये जो बेगू के किसान मांग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो उसकी जांच हेतु इसे ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। एक बात इसमें और ध्यान रख लेना कि 13 जुलाई 1923 को मिस्टर ट्रेंच, ये जो इसके अध्यक्ष है ट्रेंच कमीशन के, मिस्टर ट्रेंच के आदेश पर पुलिस गोलाबारी हुई, ठीक है, इनके आदेश पर पुलिस गोलाबारी हुई, जिसमें रूपा जी और कृपा जी नाम के दो किसान शहीद हुए थे। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया था कि रूपा जी और कृपा जी नामक किसानों का संबंध किस आंदोलन से है, तो बेगू किसान आंदोलन से है, ठीक है। तो 13 जुलाई 1923 को मिस्टर ट्रेंच के आदेश पर पुलिस गोलाबारी में रूपा जी व कृपा जी नामक किसान शहीद हुए, ठीक है। और क्या बात यह आपको ध्यान में रखनी है, तो ये जो गोलाबारी हुई ये कहां हुई, ये जो गोलाबारी है ये चांदखेड़ी नामक स्थान पर हुई, चांदखेड़ी नामक स्थान पर, चांदखेड़ी नामक स्थान पर किसानों की एक सभा चल रही थी और वहीं पर ट्रेंच महोदय ने आदेश दिया कि जाकर गोली मार दी जाए, तो यहां पर गोलाबारी कर दी गई। इसमें दो किसान रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए, ठीक है। अब ये जो चांदखेड़ी नामक स्थान पर गोलाबारी हुई थी, इसे गोविंदपुरा कांड भी कहा जाता है, इसे गोविंदपुरा कांड भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट बात याद रख लेना कि 1923 में ये आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया, ठीक है, इस गोलाबारी की घटना के बाद ये आंदोलन खत्म हो गया। 1923 में यह है आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है, और यहीं पर एक बात आप लोग नोट लगा कर लिख लेना कि राम नारायण चौधरी कौन है, बेगू के आंदोलनकर्ता, नेतृत्वकर्ता,
जिन्होंने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो राम नारायण चौधरी की पत्नी जिनका नाम था अंजना चौधरी, अंजना चौधरी किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, ठीक है, ये भी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट लगाकर आप लिख लेना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सब कहानी जो थी वो किसकी थी, बेगू किसान आंदोलन की। बेगू किसान आंदोलन के बाद में हम जो अगला आंदोलन करेंगे उसका नाम है मेयो किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन के बाद में नेक्स्ट जो आंदोलन है वो है मेयो किसान आंदोलन, और जो मेयो या मेवात क्षेत्र है वो अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। तो अगला है मेयो किसान आंदोलन, ठीक है। मेयो किसान आंदोलन की मेन मेन बातें क्या हो गई कि आंदोलन कब चला, तो यह आंदोलन चला 1932 और 1933 में, ठीक है। मेव या मेवात क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो मेव या मेवात क्षेत्र कहा जाता है अलवर प्लस भरतपुर के क्षेत्र को, ठीक है, मेव या मेवात क्षेत्र कहा जाता है। और अगर बात करें आंदोलनकर्ता कि आंदोलन करने वाले कौन थे, तो मेव मुस्लिम किसान, मेव मुस्लिम किसान थे, ठीक है। प्रमुख नेता, इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, मेव मुस्लिम किसान आंदोलन जो है इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो नंबर एक आपको याद रखना है मोहम्मद हाजी अली, मोहम्मद हाजी अली, और ये थे मेवात के, ठीक है। और दूसरे याद रखने हैं यासीन खान, यासीन खान, और यासीन खान है गुड़गांव के, ठीक है, जिसको अब गुरुग्राम भी कहा जाता है, गुड़गांव या गुरुग्राम के थे, ठीक है। तो ये हो गए प्रमुख नेता। अब हमको ध्यान में रखना है प्रमुख घटनाएं, कि इसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो प्रमुख घटनाएं आपको याद रखना है कि नंबर एक घटना आपको याद रखनी है अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन की स्थापना, संगठन की स्थापना, कौन सा संगठन बनाया गया, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन की स्थापना कब की गई, 1932 में की गई। संस्थापक कौन है इसका, तो इसके संस्थापक है मोहम्मद हाजी अली, मोहम्मद हाजी अली, ठीक है। और ये जो अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन है इसने मेयो किसान आंदोलन का संचालन किया, मेयो किसान आंदोलन का संचालन किया, ठीक है। और एक बात और याद रख लेना, कालांतर में, कालांतर में यह आंदोलन सांप्रदायिक हो गया, सांप्रदायिक हो गया, सांप्रदायिक हो गया का मतलब ये आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन न लेकर हिंदू मुस्लिम के दंगे में परिवर्तित हो गया, तो अंग्रेज सरकार ने इसका दमन कर दिया और यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया, ठीक है। तो कालांतर में आंदोलन सांप्रदायिक हो गया तथा स्वतः समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये मेन मेन बात हो गई मेयो किसान आंदोलन की। मेयो किसान आंदोलन के बाद में नेक्स्ट जो आंदोलन है उसका नाम है बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, मेयो किसान आंदोलन का कारण क्या हो जाएगा, तो कारण वही है लगान लांता कुंता भू राजस्व पद्धति बेगारी प्रथा, सब किसान आंदोलनों का कारण वही है, सबका एक ही कारण है, लगान की समस्या, लाता कुंता की समस्या, लागबाग की समस्या, तो यही सब प्रॉब्लम लेके किसान आंदोलन करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी
किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन कब? तो ये आंदोलन चला 1926 से लेकर 1943 तक, ठीक है। कहां कहां चला? तो बरड़ क्षेत्र, बरड़ क्षेत्र कहां पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। वैसे बूंदी में चला लेकिन जो बरड़ क्षेत्र था वहां पर सर्वाधिक चला। क्या कारण था कि भाई आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण था? तो वही कारण हो गए, भू राजस्व, लगान, लाटा कुंता, ठीक है, प्लस बेगारी प्रथा। प्रमुख नेता, प्रमुख नेता कौन है इस आंदोलन के? तो प्रमुख नेता हो जाएंगे पंडित नैनू राम शर्मा, पंडित नैनू राम शर्मा। और इस आंदोलन की क्या मेन बात हो जाएगी? तो इस आंदोलन की मेन बात हो जाएगी कि इसमें महिलाओं ने भी हिस्सेदारी की, महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया, बड़ी संख्या में भाग लिया महिलाओं ने भी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब प्रमुख घटना कौन सी हो गई? तो प्रमुख घटना आपको याद रखनी है दाबी हत्याकांड, दाबी हत्याकांड। दाबी हत्याकांड कब का है? तो ये है 2 अप्रैल 1923 का, याद रखना है दाबी हत्याकांड, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो दाबी हत्याकांड है क्या? दाबी हत्याकांड में एक दाबी नामक स्थान है, वहां पर किसानों की शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, ठीक है। एक अधिकारी था, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन, इकराम हुसैन के कहने पर यहां पर गोलाबारी हुई। इस गोलाबारी में नानजी भील और देवालाल गुज्जर जो है वो शहीद हो गए। इसी हत्याकांड को क्या बोला गया है? दाबी हत्याकांड कहा गया है। कब का है? तो 2 अप्रैल 1923 का, ठीक है। तो क्या क्या घटना है दाबी हत्याकांड की? तो किसान दाबी गांव में सभा कर रहे थे, ठीक है, किसान दाबी गांव में सभा कर रहे थे। नानक भील, नानजी भील, सॉरी नानजी भील झंडा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे, ठीक है। पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, क्या नाम है उनका? इकराम हुसैन, इकराम हुसैन, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन के आदेश पर गोलाबारी में, आदेश पर गोलाबारी में नानजी भील प्लस देवालाल गुज्जर शहीद हो गए, ठीक है। तो ये नानजी भील और देवालाल गुज्जर जो है वो शहीद हो गए। इसी को क्या कहा गया? दाबी हत्याकांड कहा गया है, ठीक है। नानजी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा, ये भी बात आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। इसका नाम कर लेना नानक भील, ठीक है, नानक भील। तो नानक भील की स्मृति में, नानक भील की स्मृति में एमएल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा? अर्जी गीत, ठीक है। ये मेन मेन बातें हो गई हमारी बूंदी किसान आंदोलन से रिलेटेड। बूंदी किसान आंदोलन के बाद में नेक्स्ट जो आंदोलन है उसका नाम है अलवर किसान आंदोलन, ठीक है। दो चरणों में ये चला आंदोलन। तो नेक्स्ट आंदोलन कौन सा हो गया? अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन कब से कब तक चला? तो ये चला 1921 से 1925 तक, दो चरणों में चला था, ठीक है। तो देखो क्या क्या हुआ। अलवर का तत्कालीन शासक, तत्कालिक शासक, अलवर का जो तत्कालिक शासक था उसका नाम था जय सिंह। और ये क्वेश्चन पूछा गया है,
अलवर का शासक था जयसिंह। जयसिंह जब शासक बना तो इसने जंगली सुअरों के या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब ये जो जंगली सुअर हुआ करते थे, जंगली सुअर किसानों के खेतों में घुस जाते, उनकी फसलों को, उनकी बीजों को नष्ट कर दिया करते थे, खेतों को बर्बाद कर दिया करते थे। तो किसान इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए और किसानों ने जयसिंह को बोला कि भाई हमें जंगली सुअर मारने की इजाजत दे दी जाए। ठीक है, तो अलवर प्रशासन ने जंगली सुअर मारने की इजाजत नहीं दी। तो 1921 में किसान जंगली सुअरों को मारने की इजाजत लेने के लिए, ठीक है, इजाजत लेने के लिए जंगली सुअरों को मारने की आंदोलन किया था। ठीक है, अलवर प्रशासन बाद में इजाजत दे देता है तो एक बारंगी यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अलवर का तत्कालीन शासक कौन हो गया? जयसिंह। कारण क्या हो गया? तो कारण इसका हो जाएगा कि अलवर प्रशासन द्वारा जंगली सुअरों के शिकार पर रोक, ठीक है, जंगली सुअरों के शिकार पर रोक लगा दी गई। ठीक है, जंगली सुअर किसानों के खेतों तथा फसलों को बर्बाद कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। ठीक है, अलवर प्रशासन ने जंगली सुअरों को मारने की इजाजत दे दी, मारने की इजाजत दे दी। ठीक है, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, एक बार ही आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि जो ये राजा जयसिंह है, यानी कि जो अलवर का प्रशासन है, वो लगान में क्या करता है? वृद्धि कर देता है। तो लगान बढ़ाने के कारण ये आंदोलन पुनः जीवित हो उठा। ठीक है, तो अगली लाइन में लिख लो आप, कालांतर में अलवर प्रशासन द्वारा लगान बढ़ाए जाने पर पुनः आंदोलन जीवित हो उठा। ठीक है, पुनः ये जो आंदोलन है ये जीवित हो उठा। तो ये मेन मेन बात हो गई किसकी? अलवर किसान आंदोलन की। अब यहीं पर एक नीमू चाणा हत्याकांड हुआ है, उसके बारे में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नीमू चाणा हत्याकांड। ठीक है, नीमू चाणा हत्याकांड का रिलेशन किससे है? अलवर किसान आंदोलन से ही है। ठीक है, कब हुआ है? तो ये हुआ है 13 मई 1925 को। ठीक है, 13 मई 1925 को किसान लोग नीमू चाणा गांव में सभा कर रहे थे। इस सभा में पुलिस अधिकारी होता है जिसका नाम होता है छज्जू सिंह। छज्जू सिंह के आदेश पर अंधाधुंध गोलीबारी करी गई, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए, काफी सारे किसान, डाबी वगैरह से ज्यादा यहाँ पर किसान मारे गए थे। तो नीमू चाणा हत्याकांड क्या था? तो किसान सभा कर रहे थे। ठीक है, पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह के आदेश पर अंधाधुंध गोलाबारी की गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें सैकड़ों किसान मारे गए, सैकड़ों किसान मारे गए। ठीक है, और क्या बात याद रखनी है नीमू चाणा हत्याकांड की? तो और आपको बात याद रखनी है कि प्रताप तरुण राजस्थान तथा राजस्थान केसरी तथा
राजस्थान केसरी अखबारों ने इस हत्याकांड की निंदा की, इस हत्याकांड की निंदा की, ठीक है। और क्या ये बात आपको याद रखनी है, तो नीमू चाणा हत्याकांड जो है इसको लेकर कुछ कथन है, उन कथनों को भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि इन कथनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नीमू चाणा हत्याकांड जो है इसको लेकर प्रमुख कथन क्या है, उन कथनों का भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो। नीमू चाणा हत्याकांड, नीमू चाणा हत्याकांड को लेकर कथन, नीमू चाणा हत्याकांड को लेकर कथन, तो पहला कथन आपको ध्यान रखना है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी कौन है? बेगू वाले। तो राम नारायण चौधरी जो है वो क्या कह रहे हैं, तो देखो इस हत्याकांड को नीमू चाणा हत्याकांड का जो नामकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो राम नारायण चौधरी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इस हत्याकांड को, इस हत्याकांड को नीमू चाणा, नीमू चाणा हत्याकांड नाम दिया, ठीक है। तो सबसे पहले नीमू चाणा हत्याकांड कहने वाले व्यक्ति कौन है, राम नारायण चौधरी है। दूसरा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी का, ठीक है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट याद रखना है, महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायर शाही, ठीक है, दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी, और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा विभत्स बताया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो गांधी जी ने इसे डायरिज्म, डायरिज्म डबल डिस्टिक्स यानी कि दोहरी डायर शाही, डायर कौन था, जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा था, ठीक है। तो गांधी जी ने इसे डायरिज्म डबल डिस्टिक्स यानी कि दोहरी डायर शाही कहा, ठीक है। और गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया, विभत्स, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है इस प्रताप अखबार की, ठीक है। तो प्रताप अखबार, प्रताप अखबार, ठीक है, प्रताप अखबार इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड टू कहता है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, प्रताप अखबार ने, प्रताप अखबार ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड टू कहा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है रियासती अखबार, रियासती अखबार, रियासती अखबार कौन सा है, तो रियासती अखबार जोधपुर से प्रकाशित होता है, रियासती अखबार जोधपुर से प्रकाशित होता था, और इस रियासती अखबार के जो लेखक थे उनका नाम था सुमनेश जोशी, इन्होंने ही भंडाफोड़ किया था हनुमंत सिंह की पेन एंड पिस्टल कांड वाली घटना का, वो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। तो रियासती अखबार है ये, जोधपुर से प्रकाशित होता है, इसने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी, हत्याकांड की संज्ञा दी, यानी कि ज्यादातर मोटे मोटे तौर पे आप यही देख लो कि सभी लोग इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से कंपेयर कर रहे हैं। महात्मा गांधी इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से ज्यादा विभत्स बता रहे हैं, ठीक है। प्रताप अखबार इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पार्ट टू नाम दे रहा है, ठीक है। इसी तरह रियासती अखबार है जोधपुर से प्रकाशित, वो इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दे रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम
यही तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी जितने किसान आंदोलन है उनको लेकर इस टॉपिक को समाप्त कर दिया जाएगा। होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लगातार स्टडी करते रहिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।